वही अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में आज एमसीडी के मेयर का चुनाव होने जा रहा है। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय और बीजेपी की रेखा गुप्ता के बीच अहम मुकाबला है। वहीं डिप्टी मेयर के लिए आपके आले मोहम्मद इकबाल और बीजेपी के कमल बागरी के बीच टक्कर है। मेयर चुनाव को लेकर केजरीवाल सरकार का उपराज्यपाल के साथ भी विवाद हो गया है। सीएम केजरीवाल ने एलजी के फैसले के खिलाफ उन्हें चिट्ठी भी लिखी है। क्या है पूरा विवाद, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच टकराव बढ़ गया है। आज एमसीडी के मेयर पद का चुनाव है और आम आदमी पार्टी ने एलजी के लिए दो फैसलों पर सवाल उठा दिया है। दरअसल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को एमसीडी की पहली बैठक के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। वे ही बाकी पार्षदों को शपथ दिलाएंगी और वही मेयर चुने जाने की प्रक्रिया के दौरान पीठासीन अधिकारी भी रहेंगी। इस फैसले पर केजरीवाल सरकार को एतराज है। केजरीवाल सरकार चाहती थी कि ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के किसी पार्षद को मिले। इसके लिए आपके पार्षद मुकेश गोयल का प्रस्ताव भी एलजी को भेजा था। एलजी के फैसले पर आपत्ति जताते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाया। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने एलजी के फैसले पर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर लिखा, सबसे सीनियर सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर या पीठासीन अधिकारी बनाने की परंपरा रही है, जबकि बीजेपी ने आपके आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सत्या शर्मा को एमसीडी कार्यप्रणाली की बेहतर समझ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।